Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये तो वही मंदिर है जिसके नेड़े में असली पेंडेंट सुटिया सी। मामा मैं असली पेंडेंट ऐसे मंदिर के नेड़े सुटिया सी। हो सकता वो पेंडेंट सानू इत्थे किते लभ जे। नकुल साडे कोल यही मौका है, असी वो पेंडेंट लभ के न्यान दी धी तक पहुंच सकते हैं। पर सानू न्यान ते भी नज़र रखनी पएगी, वो पेंडेंट ओदे हथ नहीं लगना चाहिए। नकुल तू अपनी अखां खुलियां रखी, ये जिंदगी ते मौत दा सवाल है। जेड़ी गलती तू पहला कीती सी ना ओ हुण ना करी, किस्मत ने सानू दूजा मौका दिता है ते मैं गवाना नहीं चाहती। ठीक है मामा चल। हाँ चलो। अज मैं तुहानू नाग पंचमी दे नाल जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा सुनावांगा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण दे बचपन दी है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के नाल यमुना नदी के किनारे खेड रहे सन। खेडते खेडते अचानक उन्हां दी गेंद जिहड़ी है ना यमुना च डिग जाती है। तो गेंद नूं कढ़न लई भगवान श्री कृष्ण यमुना च छाल मार दिंदे ने। उत्थे कालिया नाग जड़ा की बहुत ही खतरनाक ते बहुत ही जहरीला है भगवान दे उत्ते हमला कर दिंदे ने। एक बहुत ही भयानक युद्ध करन दे बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग नूं हरा दिता। ते जिद्दां ही भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग नूं सजा देण लगे, कालिया नाग दी पत्नी हथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण दे अगे खड़ी हो गई कि मेरे पति दी जिंदगी बख्श दिओ, क्योंकि वह समझ चुकी सी कि यह बालक कोई आम नहीं है। हथ जोड़ के अपने पति की जिंदगी मंगन लग पई ते भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग की जिंदगी बख्श दित्ती। पर उहदे कोलों एक बचन लिया कि अज तो बाद गोकुल नगरी दे किसी भी प्राणी नूं तू तंग नहीं करेगा। ते नाग पंचमी भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग ते जित वजों मनाया जांदा है। ते अज दे दिन नाग देवता की ते भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके तुसी अपने बच्चों के सुनहरे भविख लई आशीर्वाद लै सकदे हो। इस बिल दे विच जो नाग देवता रहिंदे ने ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖੰਡ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਆਣੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।